मिट्टी दोनों मेरी जान है, मिट्टी मेरी रूह है, तो देश मेरा ईमान है। मेरा देश का हर बूढ़ा आज भी जवान है, क्योंकि बड़े छोटों में कोई भेद नहीं, आज भी एक समान है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं घमासान.com। हम धर्म दर्शन लगातार आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में, और आपको बता दें कि बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी मैं भारत माता के मंदिर पर मौजूद हूँ। जी हाँ, वही भारत माता जिसकी लाज रखने के लिए हजारों वीर सपूत अपने प्राणों की आहुति दे गए। आपको बता दें कि 23 वर्ष के उस भगत सिंह को कोई कैसे भूल सकता है, जब उसने भारत माता के खातिर अपनी माँ को भुला दिया था। मेरी दो पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं कि 23 वर्ष की उम्र में वो हंसकर फांसी पर झूल गया, और भारत माता के खातिर वो अपनी माँ को भूल गया। आप इस भारत के नक्शे को बड़ी गौर से देखिएगा, बड़ी गौर से देखिएगा। आप नीचे से ऊपर तक अगर इस भारत के नक्शे को देखोगे तो आपको एक ही चीज़ याद आएगी कि इंकलाब के खातिर उन आज़ादी के दीवानों ने मौत को गले लगा लिया था। आज उन्हीं भारत माता के दर्शन हम आज करेंगे, आपको दिखाएंगे भारत माता की वो दिव्य छवि जिसके लिए आज़ादी के दीवाने, आज़ादी के परवाने अपनी प्राणों की आहुति लगा दिए थे। जी हाँ, चलिए इस दिव्य दर्शन को हम ज़्यादा ना देरी करते हुए आपको दिखाते हैं भारत माता का यह दिव्य मंदिर और उसकी कहानी। हजारों वीर सपूत भारत माँ के चरणों में। आज से कुछ 70 साल पहले की बात है जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे, आज़ादी के परवाने अलग अलग हो गए थे, मानो भाई भाई अलग अलग हो गए थे। इस भारत माता के खातिर कितने वीर पुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, ये हम कल्पना नहीं कर सकते। तो आप भी चुकिएगा मत, भारत माता को याद करके अपने देशभक्ति में लगे रहिएगा। आज कलयुग है, देशभक्ति को सम्मान जरूर नहीं मिलता है, लेकिन भारत माता का चेहरा, भारत माता की तस्वीर आप जरूर अपने कमरे में लगाइएगा। आप देखिएगा कि कितनी पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।